फ्रीलांसिंग छोड़ दो। लो जी नवा कट्टा खोल गया जी। अब आप लोग कहेंगे यार एक तरफ से आप लोग फ्रीलांसिंग भी सिखाते हैं, पर अब वीडियो में आप आके कह रहे हो कि यार फ्रीलांसिंग छोड़ दो। बताता हूँ क्यों छोड़ दो। आप फ्रीलांसिंग इसलिए छोड़ दो, अगर आप भी ये पांच चीजों का सुकून सोचकर फ्रीलांसिंग में आ रहे हो तो भाईजान छोड़ दो। वो पांच चीजें क्या है सब कुछ इंट्रो में बता दूं आप लोगों को, आइए सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जॉब वर्सेस फ्रीलांसिंग। हम लोग नॉर्मली जॉब स्किप कर देते हैं जिसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जो कि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जॉब आप लोगों को क्यों करनी चाहिए। और इसके अलावा भी लोग ये समझ रहे होते हैं कि यार फ्रीलांसिंग का मतलब है कि रातों रात सक्सेस मिल जाएगी, रातों रात डॉलर्स बनना शुरू हो जाएंगे, तो जॉब करने की किसी को क्या ज़रूरत है। बहुत से मुझे ईमेल्स भी ऐसे आते हैं जिसके अंदर लोग कह रहे होते हैं कि सर बता दें फ्रीलांसिंग करनी है। मैं आगे से अगर उन्हें पाथ बताऊंगा ना कि स्किल सीखनी है, फिर ये करना है, फिर वो करना है, तो आगे से वो जवाब पता है क्या देते हैं? सर ये बात तो मुझे पहले से पता है। ओ भाई मारो मुझे मारो। और आगे से मेरा जवाब पता क्या होता है? तो भाई फिर करता क्यों नहीं है? वो दरअसल ये चाह रहे होते हैं कि हमें कोई ऐसा शॉर्ट मेथड बता दें या कुछ ऐसी कोई स्कीम बता दीजिए जिसके अंदर हमारे से पैसे बनना शुरू हो जाए और हमें कुछ करना भी ना पड़े, तो वो फ्रीलांसिंग को कुछ ऐसा समझ रहे होते हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। आज मैं आप लोगों को पांच ऐसी बातें बताने वाला हूं, अगर इनमें से कोई एक भी ऐसी चीज है जो आप सोच के आ रहे हैं कि फ्रीलांसिंग में आपको इन सब चीजों का सुकून मिलने वाला, तो भाईजान सोच लें फ्रीलांसिंग में आने से पहले एक बार फिर सोच लें। सो नंबर वन यहाँ पर जो चीज़ है वो है जी हेल्थ इश्यूज। सबसे पहले मैंने इसी को रखा है। हेल्थ इश्यूज आप लोगों को फेस करने पड़ सकते हैं। देखिए आप सारा सारा दिन बैठ के लैपटॉप या कंप्यूटर के आगे काम कर रहे हैं, ये फिर थक रहे हैं ये चेयर पे बैठ के, तो भाई जान ये इतना सोखा नहीं है। हमारी कमरे कोई भी फ्रीलांसर होगा ना, आप गारंटीड आप उसे आप मतलब उसको कह देखे मैं आपकी दर्दें बता सकता हूँ, आपको कहाँ का है, आप कहीं और की बताए ना बताएं उसकी कमर में पेन होगी। उसका रीज़न ही यही है, ये जो हम बैठ बैठ के काम कर रहे होते हैं, कितने कितने घंटे हम लोग बैठे होते हैं जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम आती है, और ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। आपको नहीं पता अगर हम इसको बाकी अगर आप लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हो और आपकी भी कमरों में दर्दें शुरू हो गई हैं, तो भाईजान आपकी मेहरबानी है, आप थोड़ा सा वॉक की तरफ जाएं, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें। ये कल को बहुत मेजर इशू भी बन सकता है आपके हेल्थ के साथ, सर्जरी वगैरह तक बात जाती है। हमारे कई दोस्तों के साथ ऐसा हो चुका है। सो प्लीज़ अगर आपके साथ भी ये इशू आ रहा है तो आप इसको टेक केयर करें। इसके अलावा भी आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी आ जाते हैं, सारा सारा दिन बैठना, आँखें ख़राब करना, बॉडी आपकी ऐसे हो जाएगी मतलब आपको देख के ही लगेगा कि भैया ये बेचारा थका हुआ है मरा पड़ा है, तो हेल्थ इश्यूज़ भी आपको यहाँ पर आते हैं। जबकि जॉब के अंदर आपको पता है 9 to 5 जॉब है, गए काम किया और आगे थकावट वहाँ पर भी होती है, काम वहाँ पर भी आप करते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको वहाँ पर एक रूटीन है जो आपने फॉलो करनी है, काम करना, उसके बाद आपने घर आ जाए। इस वजह से भैया पहला तो ये इशू है। नंबर टू टाइम इश्यूज। आप लोगों को ये लग रहा होता है कि फ्रीलांसिंग के अंदर हम लोग आज़ाद हैं भाईजान, अपनी मर्जी से काम करते हैं, ये सब चोचले हैं। ऐसे बस शोखी मारने के लिए फ्रीलांसर कहते हैं कि भाई हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, जब दिल करता है काम करते हैं, जब दिल करता है आराम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है कि भाईजान देखें क्लाइंट है ना, उसका जब मैसेज आ गया वो ना रात देखेगा ना दिन देखेगा, उसने अपने ऑफिस टाइमिंग देखनी है। एंड मेजॉरिटी हम लोग यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ काम कर रहे होते हैं, तो भाईजान वहाँ पे टाइम डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से जिस वक्त यहाँ पर रात होती है तो वहाँ पर उनका ऑफिस टाइम हो रहा होता है, तो हमें उनके हिसाब से जागना पड़ता है, तो हमारी रात की नींदें बर्बाद हो जाती हैं। फ्रीलांसर्स का नॉर्मली जो दिन होता है वो रात होती है और जो रात होता है वो उनका दिन होती है, समझ गए होंगे आप लोग। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि यार फ्रीलांसिंग के अंदर आपको बहुत ज़्यादा मतलब फ्रीडम मिलने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं है। टाइम फ्रीडम यहाँ पर नहीं है। ये कहना बहुत अच्छा लगता है जिस तरह मैं कहता हूँ भाई मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, बिल्कुल मैं इसलिए ऐसे मालिक हूँ कि भाई प्रोजेक्ट उठाऊँ या ना उठाऊँ, काम करूँ या ना करूँ, लेकिन जाहिर है अगर कमाना है खाना है तो भाई काम तो करना पड़ेगा। तो ये टाइम इशू बहुत ज़्यादा आता है अगर आप लोग फ्रीलांसिंग में आना चाह रहे हैं तो। नंबर थ्री एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि आप लोगों भी इसे एग्री करेंगे एंड दैट इज स्टेबल इनकम। फ्रीलांसिंग के अंदर लोगों को ये लगता है कि भाई आएंगे मंथली 500, 1000 डॉलर, $2000 नॉर्मली पाकिस्तान में अगर इतने भी हम कमा रहे हैं तो ये एक अच्छी हेल्दी इनकम माशाल्लाह बन जाती है। किसी भी एक नॉर्मल जॉब से अगर आप कंपेयर करें तो उससे तो बहुत अच्छी इनकम है, अगर आप मंथली 1000, 2000 डॉलर भी कमा रहे हैं तो। इवन के $500 भी कमाते हैं तो आजकल के रेट के हिसाब से कुछ 70-80 हज़ार रुपये मंथली बन जाते हैं, विच इज़ गुड। तो अब मसला यहाँ पर यह आता है कि लोगों को ये लगता है कि फ्रीलांसिंग जो है वो एक स्टेबल इनकम है, हर महीने हमारे इतने पैसे आएंगे, 500 आ रहा है, 1000 आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। फ्रीलांसिंग एक बिजनेस की तरह है और इसकी इनकम बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। आपके आज $1000 बने हैं, आपको नहीं पता नेक्स्ट मंथ आपके $100 भी बनेंगे कि नहीं बनेंगे। जी हाँ, इतना ज़्यादा रिस्क है फ्रीलांसिंग के अंदर। हाँ क्लाइंट बनाते हैं, अब जो एडवाइसेज हैं लोगों की, बड़े फ्रीलांसर्स जो हैं जो ऑलरेडी एक्सपीरियंसड हैं उनके एडवाइस फॉलो करते हैं, तो आपको फ़ायदा ज़रूर होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन स्टिल आपको कोई भी बंदा ये गारंटी नहीं दे सकता कि भाई हर महीने ही तो $1000 कमाएगा, हर महीने ही $5000 कमाएगा, हर महीने इतने पैसे कमाएगा। इसके अंदर स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, इस बहुत हाई रिस्क है। अब मेरी अगर आप एग्जाम्पल लें, मैंने भी फ्रीलांसिंग से स्टार्ट किया
तो मैं बाद में मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम की तरफ गया, मैं यूट्यूब पे आया, ब्लॉगिंग में आया, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम मैंने बनाए, क्योंकि मुझे भी पता है कि यार फ्रीलांसिंग एक स्टेबल इनकम नहीं है और सारी ज़िंदगी में बैठ के फ्रीलांसिंग नहीं कर सकता, नन्नी सी जान है भाईजान, इतने काम नहीं अपने से होते, और आगे चल के हेल्थ इशूज़ और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं इंसान के साथ, इसलिए मैं सिर्फ फ्रीलांसिंग के ऊपर मैंने डिपेंड नहीं किया और मैंने अपने मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनाए। लेकिन ये बात बताने का मकसद आपको सिर्फ यही है कि अगर आप ये सोच कर आ रहे हैं कि फ्रीलांसिंग के अंदर आपको एक स्टेबल इनकम मिलने वाली है, तो ऐसा नहीं है। नंबर फोर पर है जी कम्युनिकेशन। अब नॉर्मली हमारे यहाँ पर इंग्लिश इतना ज़्यादा बोलने का ना तो रिवाज है, ना ही हमें इतनी अच्छी आती है, ठीक है, हमारी नेटिव लैंग्वेज उर्दू है, उसको प्रमोट करना चाहिए, इसमें मैं आपको नहीं कह रहा, लेकिन यार अगर आपने फ्रीलांसिंग करनी है या अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ कोई भी बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली यार भाई इंग्लिश आपको इतनी तो आनी चाहिए कि एटलीस्ट अगले बंदे की बात समझ सको, अपनी बात समझा सको, उससे अच्छे से डील कर सको, कम्युनिकेट कर सको, चाहे वो आपने चैटिंग के थ्रू करनी है, चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशन है, आपको भाई इंग्लिश तो आनी ही चाहिए, इसके बगैर गुजारा नहीं है। कम्युनिकेशन अलग चीज है, इंग्लिश लैंग्वेज एक अलग चीज है। देखिए पहले आपने लैंग्वेज सीखी इंग्लिश, फिर कम्युनिकेशन के अगले से बात कैसे करनी, उसका भी एक अंदाज होता है, एक तरीका होता है। देखिए मैं नॉर्मली अगर वैसे ही बैठ के कुछ भी बोलता रहूं तो वो मैं उर्दू जुबान बोल रहा हूं और आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं अच्छे अंदाज में उस बात को पेश कर रहा हूं तो आपको समझ भी आएगी और आपका मुझसे बात करने को दिल भी करेगा या मेरी वीडियोस देखने को दिल भी करेगा, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो इसलिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस फ्रीलांसर्स नॉर्मली हमारे यहाँ पर इसी वजह से लैक करते हैं कि वो इस चीज़ के ऊपर काम नहीं करते, वो अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर नहीं करते, इंग्लिश नहीं सीखते, या देखो कम से कम जो रिक्वायरमेंट है ना वो इतनी है कि आप एटलीस्ट लिख सको, बात कर सको, समझा सको, लेकिन कई ऐसी स्किल्स हैं जिसमें आपको क्लाइंट के साथ कॉल पर या वीडियो कॉल पर बात करनी पड़ती है, तो इसलिए एटलीस्ट आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन इतनी होनी चाहिए कि आप क्लाइंट से बात कर सको, अपनी बात अच्छे से समझा सको और उसकी बात को अच्छे से समझ सको। अगर आप समझने बगैर कम्युनिकेशन के काम हो जाएगा, नहीं होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिसिप्लिन इश्यूज। अगर आप डिसिप्लिन बंदे नहीं हैं और आप कहते हैं कि बस ठीक है जब मर्जी उठता हूँ जब मर्जी सोता हूँ, अगर आप इस टाइप के बंदे हैं कि आप अपनी मर्जी से करते हैं जो करते हैं, समझ रहे हो, और आपके अंदर बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं, और आप जॉब पर सिर्फ इसलिए नहीं जाते कि आपको लगता है कि यार कौन करे, सुबह 8 बजे उठो, 9 बजे नौकरी पे जाओ, फिर शाम को 5 बजे 6 बजे घर हो, अपने से नहीं ये काम होता, हम भजन सुकून पसंद बंदे, अपनी मर्जी से काम करने वाले बंदे हैं, इसलिए मैं फ्रीलांसिंग में आना चाहता हूं ताकि जब मर्जी उठूं, जब मर्जी सोऊं, जब मर्जी काम करूं, जब मर्जी काम ना करूं। अगर आपके साथ भी ये भजन इशू है तो भाई छोड़ दें, फ्रीलांसिंग जो है वो 24/7 जॉब का नाम है, ये 9 to 5 जॉब नहीं है, ये 24/7 जॉब का नाम है। अगर आप इस तरह के आपके साथ डिसिप्लिन इश्यूज हैं तो आप बहुत जल्दी फ्रीलांसिंग में फेल हो जाएंगे, मैं आपको भी बता रहा हूँ ये होता है, तो इसलिए अपने आप को डिसिप्लिन आपको करना पड़ेगा अगर आप फ्रीलांसिंग में आना चाहते हैं। देखिए और भी बहुत सारी बातें हैं, टैक्सेस का इश्यूज है, जब आपकी इनकम बढ़ती है, जब आप अपनी दूसरी कंट्रीज़ में अकाउंट क्रिएट करते हैं, कंपनीज ओपन करते हैं, तो टैक्सेशन का बहुत इशू आता है और हम सबको ये चीज़ें नहीं पता होती, लेकिन जॉब में आपको पता है सैलरी है लेनी, बाकी सारे जाने वो कंपनी जाने उनका काम जाने, तो बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जो जॉब में भी आपको मिल रहे होते हैं। तो अगर कहीं पर आपने कोई स्किल सीखी है, कोई हुनर आपके पास है, उसमें अगर आपको कोई अच्छी जॉब मिल रही है तो आप डेफिनेटली वो जॉब करें, उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, एक पूरा लर्निंग प्रोसेस है कि वो कंपनी किस तरह काम कर रही है, उस कंपनी में क्या क्या इश्यूज़ हैं, मतलब आप जब बैठते हैं ना किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपको उनके बहुत सारे इश्यूज़ भी नज़र आते हैं कि यार अगर मैं ये सॉल्व कर लूँ तो मैं इनसे अच्छा काम कर सकता हूँ। उसके बाद अगर आप फ्रीलांसिंग में आते हैं तो आपको पता होता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, क्योंकि फ्रीलांसिंग में मार्केटर भी आप हैं, सेल्स पिच भी आपको ही देनी है, काम भी आपको करके देना है, मैनेजमेंट भी आपको करनी है, डिसिप्लिन का ख्याल भी आपको रखना है, अपने टैक्स एंड अकाउंटिंग का ख्याल भी आपको रखना है। तो भाई फ्रीलांसिंग जो है वो एक ऑलराउंडर की गेम है, तो इसलिए ये सब चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं, सोच समझ कर फैसला लीजिएगा। अगर आपको कहीं पर जॉब की भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो जॉब बिल्कुल भी बुरी चीज़ नहीं, आप जॉब करें, उस प्रोसेस को सीखें, पूरी उस जर्नी से गुजरें, उसके बाद अगर आपको लगता है कि यार अब मैं फ्रीलांसिंग के लिए रेडी हूँ तो आप फ्रीलांसिंग ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग फाइवर एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर इंटरेस्टेड हैं और सीखना चाहते हैं तो भाई ये कंप्लीट कोर्स आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, इस पर क्लिक करें, जाएँ एंड वॉच करें। मैं मिलता हूं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।